हेलो फ्रेंड, कोटलिन ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले पिछले जो लेक्चर्स है उसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसे यूज इसलिए होता है क्योंकि सिंपल जो ऑपरेटर्स होता है उसमें किसी चीज़ में वैल्यू को हम असाइन करने के लिए, उसमें वैल्यू असाइन करने के लिए, हियर द फाइव एक असाइनमेंट टू वेरिएबल आर यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर, जो मतलब जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसको हम इक्वल टू भी बोल सकते हैं। तो उस ऑपरेटर से हम किसी में वैल्यू असाइन करते हैं, किसी भी चीज़ में वेरिएबल्स में हम वैल्यू असाइन करते हैं, किसी में वैल्यू असाइन करने के लिए जो यूज़ होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स उसको हम बोलते हैं। यहाँ पे कुछ हमने एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ई प्लस इक्वल टू ए बी, तो मतलब ए में हम बी की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ए में और प्लस कर रहे हैं, ए में प्लस करके बी की वैल्यू भी हम, जैसे ए की वैल्यू 5 है तो उसमें प्लस कर रहे हैं बी, तो क्या हो जाएगा, वो बी की वैल्यू भी उसमें असाइन हो जाएगा। तो ये पहले ऑपरेटर प्लस हो के उसमें ऑपरेटर्स होता है। तो जैसे यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिए हुए हैं, 12 है, वेरिएबल नंबर 12 लिए हुए और उसमें हम नंबर है जो 12 है, 12 प्लस स्टार, तो 12 इंटू इक्वल टू है, तो यहाँ पर 12 इंटू और 5, तो 5 इंटू 12 होगा, तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, 60। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एग्जांपल्स वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ पर ए प्लस तो बी है, तो ए में प्लस, ए के साथ प्लस हो रहा है, ए के साथ जुड़ रहा है बी की वैल्यू, वो वैसे जुड़ रहा है, मतलब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिखाया ए प्लस, ये ऑपरेटर्स हम एक्सप्रेशन ये लिखेंगे, ये इसके ए में ए प्लस बी की वैल्यू जुड़ी है, और यहाँ ए प्लस असाइन बी, तो ये आप हम इसको ये फंक्शन ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ए प्लस इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर ए प्लस बी, तो यहाँ पर स्टार इंटू कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यहाँ असाइनमेंट डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ए डिवाइड, ये मेरे को फर्स्ट लिखना है वेरिएबल्स नेम लिखना है, फिर उसके बाद जो ऑपरेटर है वो लिखना है, फिर उसके बाद जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो लिखना है, फिर उसके बाद सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू लिखना है। तो ये हम सिंपली इसे कर सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल है कोड, ये सिंपल देख सकते हैं आप, पैर नंबर में 12 है, तो एक वेरिएबल बनाया है, नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसमें वैल्यू है 12 पहले से है, तो इस पर नंबर जो नंबर है नाम का वेरिएबल है, तो इसका नंबर इंटू है, अब इसके बाद क्या है, इक्वल टू 5, तो मतलब नंबर वेरिएबल जो 12 है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 5, मतलब 12 के साथ 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो इसके बाद जो प्रिंट है तो नंबर इक्वल टू ये डॉलर नंबर, तो हमें ये नंबर फिर प्रिंट होगा आउट होगा, तो आउटपुट आएगा 60। तो चलिए हम इसको कोडिंग एडिटर से करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ वायर नंबर 12 है, तो यहाँ पर प्रिंट स्टार 5 नंबर स्टार मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है फिर 5 है, तो नंबर टू नंबर स्टार 5 है, तो मतलब ये आप देख सकते हैं जो इसमें डबल कोट में जो ये लिखा हुआ है कि नंबर इक्वल टू क्या है, नंबर इंटू 5, मतलब 12 इंटू 5 है, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, आप गेस कीजिए कि इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, तो आपने गेस कर लिया होगा हमेशा, तो हम रन करके देखते हैं। तो कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है नंबर 16, तो आपने जो गेस किया था वो सही है, आप एक आपने जो गेस किया था वो सही है, तो आप इसमें और बहुत सारे चीज़ें हम कर सकते हैं इसमें, वैल्यू ये नंबर जैसे कि हमने 5 को इंटू किया है, तो ऐसे ही हमने नंबर, और यहाँ पर हम प्लस 5 भी कर सकते हैं, प्लस 5 भी कर सकते हैं, अब इसको हमने इसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर प्लस 5 कर दिया है, तो यहाँ पर हम फिर इसको रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नंबर 60 हो गया, फिर नंबर 65 हो गया, तो यहाँ पर ये हो रहा है, ये वैर वेरिएबल्स लिए हैं इसलिए ये हो पा रहा है ना, अगर हम यहाँ पर वैल लिए होते, वैर क्या है, म्यूटेबल वेरिएबल्स होता है, तो मैंने एक बनाया था वेरिएबल्स में, अपने को बताया कि वैल और वैल, तो वैर वेरिएबल जो होता है म्यूटेबल वेरिएबल होता है, तो इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इसलिए हम मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर इसको हम वायर के जगह वैल लिख देंगे, तो यहाँ पे हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल कैन नॉट बी रीअसाइन, तो मतलब हम वैल जो वेरिएबल होता है वैल में हम रीअसाइन नहीं कर सकते, वैल मतलब फाइनल
वेरिएबल्स तो हम इसलिए वैर, तो आप ना इसको और इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी जो एक सेपरेट वीडियो बनी है वैर वैर वेरिएबल्स के बारे में, तो उसको आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, तो जैसे मैंने फाइव को असाइन, यहाँ फाइव को असाइन किया, फाइव किया प्लस किया, ऐसे माइनस, जितने भी ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं या और आप बहुत सारे चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।